नमस्कार प्रणाम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आपको लेकर आए हैं ऐसे सुंदर और पॉपुलर प्लेस पर जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले के छत्तीसगढ़ के खूबसूरत पहाड़ियों में स्थित है। चलिए आज हम आपको ले चलते हैं बाबा सिद्धनाथ की दरी जो कि बहुत शानदार लोकेशन पर है। इसकी खूबसूरती और सुंदरता कमाल की है। यह है सिद्धनाथ दरी तक जाने वाले रास्ते का व्यू। यही है सिद्धनाथ दरी का गेट। यहाँ से हम इंटर करेंगे। यह है वाहन पार्किंग स्टैंड, यहीं पर लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। इसके बाद यहाँ से कुछ दूर पैदल चलते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस झरने के पास जो कि बहुत ही दिव्य झरना है। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। चारों तरफ आपको खूबसूरत हरियाली दिखाई देगी और बीच में ये झरना आपको आनंदमयी प्रतीत करा देगा। इसकी सुंदरता कमाल की। यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर सावन के महीने पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। यह यहाँ का टूरिस्ट स्पॉट पॉइंट है। यहीं पे लोग अपने परिवार, फैमिली, अपने दोस्तों के साथ आते हैं, अपना वीकेंड स्पेंड करते हैं। इस झरने की खूबसूरती आप देख सकते हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ियां हैं और झरने का पानी आपको आनंदमयी प्रतीत करा देगा। यही है सिद्धनाथ वाटरफॉल जो कि छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है छत्तीसगढ़ का परमहंस आश्रम। यहाँ पर जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं वो परमहंस आश्रम भी जरूर जाते हैं। अब देख सकते हैं झरने की खूबसूरती, क्या अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। सामने जो दिखाई दे रहा है वही है सिद्धनाथ दरी का कुंड। अब देख सकते हो कि इसकी खूबसूरती क्या गजब की है। चारों तरफ आपको सुंदर और शांत वातावरण दिखाई देगा। आपको यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा प्रतीत होगा। आप भी कभी मिर्ज़ापुर में आते हैं तो वहाँ यहाँ पर एक बार जरूर आएं। अब देख सकते हैं कि ये झरना कितना खूबसूरत और शानदार है। आपको ऐसा झरना शायद ही कहीं और देखने को ऐसा मिले। पानी की फुहारी आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। पानी की फुहारी हमेशा हवा के माध्यम से ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं जो कि एकदम शीतलता पहुंचाती है। अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ का लोकेशन कितना शानदार है। यही है बाबा सिद्धनाथ वाटरफॉल, क्या अद्भुत नज़ारा है भाई साहब। अगर आप भी यहाँ पर आएंगे तो आप भी बहुत ही सुकून भरा पल महसूस करेंगे। यह जगह मिर्ज़ापुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह यहाँ का प्राचीन धर्मशाला है। चलिए हम आपको अब यहाँ पर बाबा सिद्धनाथ मंदिर के पास लेके चलते हैं। यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर भी है। यही है वो मंदिर। यहाँ पर दो मंदिर है, एक ऊपर मंदिर है लेकिन एक नीचे बाबा सिद्धनाथ जी का मंदिर है जो कि पत्थर की गुफा में है। आप देख पा रहे होंगे यही हमारे सामने जो गुफा दिखाई दे रही है इसी में है सिद्धनाथ जी का मंदिर।
इधर के क्षेत्रीय लोग यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर यहाँ पर दर्शन करते हैं। तो मंदिर के नीचे ही आपको एक खूबसूरत झरना दिखाई देगा और यहाँ पे एक शीतल कुंड भी है जिसका पानी हमेशा निकलता रहता है और बहुत ही यह पानी शुद्ध माना जाता है। इस समय आप देख रहे होंगे कि यहाँ के झरने का आनंद हम भी ले रहे हैं, कि अद्भुत नज़ारा है। आप भी यहाँ पर आकर एंजॉय ले सकते हैं बारिश के समय में और सावन के समय में, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। चलिए हम अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगली लोकेशन पर, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।